यात ॲम्ब्युलन्स देखील आहे सर, एक मिनट तुम्ही मागवा तहत आप जा रहे हैं और क्या सरकार से आपको इस चलो मुंबई की इजाजत मिली है या फिर नहीं मिली है? देखिए साहब, सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मज़हब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुले आम मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस घुस कर मारेंगे, तो क्या ये के क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं हो रही है। इस वजह से हमने ये फैसला किया कि हम मुंबई तक जाएंगे और महाराष्ट्र की सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उस रामगिरी का समर्थन करते हुए ये कहा था कि तुझे केशाला ही हमें हाथ लाऊ देनार नहीं, मंजे इसका मतलब ये है कि जो मानसिकता इस रामगिरी की है वही मानसिकता लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर काम कर रहे हैं तो हम उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि ये देश चलेगा तो कायदे के हिसाब से, ये राज्य चलेगा तो कानून के हिसाब से चलेगा, यहाँ पर आप संविधान के हिसाब से कार्य करिएगा, उसमें इस तरीके से किसी एक जाति, एक धर्म के हिसाब से काम मत करिएगा। साथ ही साथ हम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये बताने के लिए जा रहे हैं, महाराष्ट्र का इतिहास रहा है, एक से एक फाइनेस्ट ऑफिसर्स हमने, पुलिस ऑफिसर्स महाराष्ट्र के अंदर देखे हैं। क्या वजह है कि 58-60 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी कोई पुलिस वाला काम करने के लिए तैयार नहीं है, एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है? इसलिए नहीं लेने के लिए तैयार है कि इनके माई बाप जो है, जो मुख्यमंत्री है, वो आके कहे है कि नहीं, इसको कुछ करना नहीं है, इसको इसके बाल को भी धक्का लगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कह दिया है तो उनके नीचे के जो प्यादे है वो स्टेज के ऊपर खड़े रह के मुसलमानों को हर रोज़ गालियां दे रहे हैं। तो हम सिर्फ अकेले मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हिंदू समाज के एक हमारे भाई और बहन ने, उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल कराए हैं, अपने पैसों से उन्होंने 100 गाड़ियां इसके अंदर शामिल करवाए हैं, और सिर्फ उन्होंने ये कहकर करवाए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो कायदे कानून संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। आपने जो पहल की है हम आपके साथ है। कहां से देखिए, हमने कुछ मुद्दे रखे हुए हैं, उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहाँ पर कोई भी किसी भी जात, धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी हमने मांग की है कि ये जो राने टाइप के पिल्लुआ छोड़े गए हैं इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ जबान उसके मुंह में है और हम गूंगे, मुक्के और बहरे हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते है करके? बोलना हमें भी आता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी तहजीब और हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी दूसरे मज़हब के बारे में, दूसरे धर्म के बारे में हम इस तरह की बयानबाजी करें। तीसरा हमने ये कहा है कि मौलाना सलमान अज़हरी जो है उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उस शेर के अंदर किसी जात का जिक्र नहीं था, किसी धर्म का जिक्र नहीं था, किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया था। उस शेर की बुनियाद के ऊपर एक साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल में है, तो क्या इस तरह का कानून चलता रहेगा साहब कि जिसको जो बोलने की इजाज़त हमने दिए है तुम बोलो, हम कुछ नहीं करेंगे, और ख़ास लोगों ने अगर ज़रा से अभी कुछ कर दे, हम उफ भी कर दे ले तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे, और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो हम चले हैं मुंबई की तरफ, जाके हैं तो संविधान देंगे उन्हें, याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। कहां-कहां से लोग आपके इस रैली में? तब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने पहली मर्तबा ये कहा था कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं होगी करके। आप नासिक के बाद देखेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली नहीं निकली होगी जो आज आपको देखने को मिलेगी।